रास्ते बंद नजर आ रहे हो तेरे नाम से, इसी घड़ी खुलने पाए। ओ ऋषि खराबा हुलराबा रिखराबा रक्तम जय। जो भी समस्या इनके जीवन में कार्य कर रही है, हर एक समस्या तेरे नाम से निकलने पाए पिता, हर एक बंधन तेरे नाम से इसी घड़ी खुलने पाए। तो नए साई की प्रभु मसीह के मधुरो मीठ ना समाज साथियों पाश्चर प्रचार को जय मसीह कहता हूँ। हालेलुया, सबको आशीष दे। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ आज सुबह का प्रार्थना, और इस प्रार्थना में घर परिवार के लिए जो बीमार पड़े उनके लिए, सभी समस्याओं की बीमारियों के लिए, प्रॉब्लम्स के दिन भर आशीष के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। तो विश्वासपूर्वक इस प्रार्थना को देखिए और बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को अपने जीवन में, अपने घर में रिसीव कीजिए कि प्रार्थना मेरे घर मेरे परिवार में जीवन के लिए की जा रही है। तो कह रहा हूँ प्रभु आपको इसमें आशीष चंगाई छुटकारा देने जा रहा है, क्योंकि जब हम विश्वास करते हैं तो हम प्रभु की महिमा करते हैं मेरे पियो, और हम विश्वास के साथ ही हम उसकी आशीष को, उसकी चंगाई को, हम छुटकारा को हम प्राप्त कर सकते हैं। बिना विश्वास उसे प्रसन्न करना अनहोना है। हालेलुया। प्रार्थना कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे व्हाट्सएप भेजिए, हमारे मिस्ट्री प्रभुज के साथ आप सभी के लिए प्रार्थना करता है, और हम प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं। प्रभु आप सबकी प्रार्थना का उत्तर दे रहा है, इसका सारा आदर और महिमा प्रसन्न प्रभु यीशु मसीह को अर्पित करते हैं। तो आइए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। विश्वास के साथ देखिए जो बीमार पड़े हैं, विश्वास के साथ प्रार्थना को देखने के लिए बोलिए प्रभु इस प्रार्थना के द्वारा उनको चंगाई छुटकारा आशीष देने चाह रहा है। हालेलुया, विश्वास के साथ देखिए। हालेलुया 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 बरिबा उल्लरा बरिकरा बरिक्तम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। तेनाम की महिमा हो, तेनाम की महिमा हो। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। तेनाम की महिमा हो, तेनाम की महिमा हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। आमीन 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 आमीन। प्रभु जी धन्यवाद देते पिता, इन सारे बातों के लिए रात को सुनाई दिया, एक नया दिन दिखाया और जीतों को तो जीत रखा। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा प्रशंसा हम तुझको अर्पित करते हुए हम धन्यवाद के बलिदान तेरे चरणों में चढ़ाते हैं। पिता जितने भाई बहन देख रहे प्रार्थना को सुन रहे पिता, उन सबको हम तेरे नाम से आशीष की घोषणा करते हैं। पिता जिस घर में प्रार्थना चल रही पिता, उस घर को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेनाम की महिमा उनके जीवन में प्रकट होने पाए खुदावन। हाँ प्रभु जी इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, जो बीमार पड़े हैं पिता इस प्रार्थना को देखते ही तेरे नाम से चंगे होने पाए पिता। जो समस्याएं आज के दिन के जीवन में कार्य कर रहे पिता, हर एक समस्याओं का समाधान तो देने जा रहा है, हम धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीजा। सिखरावा हुलरावा रिखरावा रक्तम जयम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीजा, थैंक यू जीजा। आमीन 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 आमीन। प्रभु जी हम धन्यवाद थे पिता इन सारे बातों के लिए। पिता परमेश्वर तूने जीवतों को जीत रखा पिता, दुर्घटना बीमारी महामारियों से हम सबको बचाए रखा प्रभु जी, अपने पंखों की आड़ में छुपाए रखा पिता, हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा प्रशंसा हम तुझको अर्पित करते हुए हम धन्यवाद का बलिदान तेरे चरणों में चढ़ाते हैं। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं पिता इन सारे भाई बहनों के लिए पिता, दिमाग कार्य मंगवाई का में सहायता कर, जहां कार्य करने जाते हैं पिता इन सबको तू आशीष प्रदान कर पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी यात्राओं में सुरक्षा प्रदान कर प्रभु जी, जहां जो काम के लिए जाते पिता इन सबको तो सफलता दे खुदावन। हर एक बंद रास्ते यीशु नासरी के नाम में आज के दिन पिता खुलने पाए खुदावन। हाँ प्रभु जी जहां जो जॉब खोजने जा रहे हैं पिता, उन सबको तू आशीष प्रदान कर, इनके आने जाने में सहायता प्रदान कर, दुर्घटना बीमारी महामारियों से बचाए रख पिता, यही हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद के साथ तेरे चरणों में आते हम प्रार्थना करते हैं पिता इन सारे भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर, जो चिंताओं में पड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, बोझ से दबे कहरा रहे हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता। वो चिंता करने वाली बातें यीशु नासरी के नाम में इनके जीवन से, इनके घर से हम निकाल फेंकते हैं पिता। जो इनके रास्ते बंद नजर आ रहे हैं तेरे नाम से इसी घड़ी खुलने पाए। ओ ऋषि खराबा हुलराबा रिखराबा रक्तम जयम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। आमीन 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 आमीन। प्रभु जी हम सारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, जो चिंताओं में फंसे हुए हैं पिता, और चिंता कली बातें यीशु नासरी के नाम में इनके जीवन से, इनके घर से इसी घड़ी निकलने पाए। जो भी समस्या इनके जीवन में कार्य कर रही है, हर एक समस्या तेरे नाम से निकलने पाए पिता, हर एक बंधन तेरे नाम से इसी घड़ी खुलने पाए। तो नए साई किया हम धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता उन सारे भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर बीमार पड़े हैं, सालों महीनों दिनों से दवाई खा के थक चुके हो, थके माए तेरे पास आए,
और त्रिवचन कहता है, हे थके मांदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम और शांति दूंगा। हाँ प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं पिता इन सारे भाई बहनों के लिए जो बीमार पड़े हैं पिता, दवाई खा के थक चुके हैं, वो हर जगह थके माए तेरे पास आए हैं हाँ प्रभु जी, लेकिन तू इनको छुटका देने जा रहा है, बीमारियों से चंगाई देने जा रहा है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं इन सारे भाई बहनों के लिए, हम प्रार्थना करते हैं पिता। जो दुनिया कोने में कहीं भी रहकर प्रार्थना को देख रहे हैं पिता, तो उनके जीवन में चंगाई छुटकारा आशीष को भेजने जा रहा है, हम धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस, रक्तम जयम, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं पिता, जो बीमार पड़े हैं पिता, तेरे नाम से इसी घड़ी चंगे होने पाए। मेरे पियो प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए अपने जीवन का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करके उसके वचनों पे चलिए, उसकी आज्ञाओं को पालन कीजिए और अपने पापों की क्षमा प्राप्त करके यीशु मसीह से आइए, प्रार्थना कीजिए। वो दयालु है, अहंकारी है, वो आपको अपने लहू से धो कर शुद्ध और पवित्र करेगा और आपको अपने राज का वारिस बनाएगा। हाँ प्रभु, इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, इन सारे भाई बहनों को पिता जहाँ भी रहकर प्रार्थना को देख रहे हैं पिता, पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नाम में हम चंगाई की छुटकारे की हम घोषणा करते हैं पिता। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य और इनके हाथों इनके पैरों में एक नया बल, एक नया शक्ति, एक नया सामर्थ्य आ जाए पिता, तूने ऐसा ही किया, हम धन्यवाद देते हैं। सिखराबा हुलराबा रिखराबा रक्तम जयम, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हम प्रार्थना करते हैं पिता, जो विदेश में रह कार्य करते हैं पिता, और जहाँ भी रह कार्य करते, नाम की महिमा उस जगह में उनके तरफ प्रकट होने पाए पिता। जो पिता परमेश्वर बीमार पड़े हो, तेरे नाम से इसी घड़ी चंगे होने पाए। जो समस्याओं में घिरे हुए हैं पिता, हर एक समस्याएं तेरे नाम से इनके जीवन से निकलने पाए। जो भी बंद रास्ते हैं तेरे नाम से खुलने पाए खुदावन। हाँ प्रभु जी, हर जॉब की समस्याएं तेरे नाम से दूर हो जाए। इनके परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना करते, जहाँ भी रहते सुरक्षाओं से भरपूर होने पाए। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हम प्रार्थना करते हैं पिता, जो दारू की आत्माओं में, निश्चय की आत्माओं में, बुरी आत्माओं में, अधिकारी की आत्माओं में फंसे हुए हैं, हम उनके लिए बड़े बोझ के साथ उससे प्रार्थना करते। ये प्रार्थना देखते ही सुनते हैं पिता, उनके जीवन में अद्भुत कार्य चमत्कार होने पाए। हर दारू की आत्मा, नशे की आत्मा, बुरी आत्मा की आत्मा, ईश्वर के नाम में प्रार्थना को सुनते ही देखते ही पिता उनके जीवन से निकल के चली जाए। जिस घर में प्रार्थना चल रही पिता, उस घर में अद्भुत कार्य चमत्कार होने पाए। वचन की शांति, वचन का प्रकाश, वो ज्याला, वचन का सामर्थ्य नाम से आज जाए पिता, यही हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद ईश्व, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, आमीन आमीन आमीन। पिता परमेश्वर, इन सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हाँ प्रभु जी, इन सारे भाई बहनों को तू आशीष प्रदान किया, धन्यवाद देते हैं। मेरे भी बीमारी चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, प्रभु के सम्मुख में आइए। उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं, उन लहू हमारे खातिर बहाया गया, और जो भाई बहन उस लहू का विश्वास करता है अंत जीवन उसका है। मेरे पियो, हम अपने पापों की क्षमा उससे मांगे। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके, अपने मुंह से अंगीकार करें उसे, यीशु कोड़े खाने चंगे हो चुका हूँ, यीशु कोड़े खाने चंगे हो चुका हूँ। विश्वास कीजिए, दुनिया में कहीं भी रहकर प्रार्थना को देख रहे हैं, प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य चमत्कार करेगा। ओ थैंक यू जीसस, सिख खराबा हाल खराबा रक्तम जयम, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। ये प्रार्थना जिस घर में चल रही पिता, उस जग में अद्भुत कार्य चमत्कार होने पाए। तूने ऐसा ही किया, धन्यवाद। जो बच्चे के आशीष के लिए प्रार्थना करवाए हैं पिता, हम प्रार्थना करते हैं खुदावन। प्रभु जी, वो दुनिया कोने में कहीं भी रहकर प्रार्थना को देख रहे हैं, उनके जीवन तू आशीष भेजने जा रहा है पिता, हम धन्यवाद देते हैं। उनके द्वारा उस जगह में अद्भुत कार्य चमत्कार होने जा रही है, हम धन्यवाद देते। सारा आदर महिमा प्रशंसा हम तुझको अर्पित करते हुए, हम धन्यवाद का बलिदान तेरे चरणों में चढ़ाते। जितने भाई बहन पिता अपने हाथ को बढ़ाकर बीज बोए हैं पिता, और जितना बीज बोते हैं पिता, अपनी शक्ति अपनी इच्छा के अनुसार खुदावन उसके सौ गुना तो आशीष देने जा रहा है, हम धन्यवाद देते हैं। इनके घर में जो समस्याएं हैं पिता, वो ईश्वर से के नाम में इसी घड़ी चंगे होने पाए पिता, वो समस्याएं उनके जीवन से निकलने पाए पिता, हर एक बंदरास्ते नाम से खुलने पाए। जो बीमार पड़े इन घरों में, तो नाम से हम चंगाई के छुटकारे की घोषणा करते हैं। और जितना बीज बोते हैं पिता, सौ गुना कटनी काटने जा रहे हैं, हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा प्रशंसा हम तुझको अर्पित करते हुए, हम धन्यवाद का बलिदान तेरे चरणों में चढ़ाते। कार्य मगवाई करने में सहायता कर पिता, जहाँ कार्य करने जाते हैं इन सबको तू आशीष प्रदान कर पिता, यात्राओं में सुरक्षा प्रदान कर, जहाँ
भी जाते हैं अपने पंखों की आड़ में छुपाए रख, कोई हमारी कोई मारी इनको छू भी ना पाए पिता, जो शोक में डूबे हुए हैं पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता प्रभु जी, प्रार्थना सोखते हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना सुनते हैं, उनके जीवन से हर एक शोक की बातें हर एक दुख की बातें दूर हो जाए और उनके अंदर एक आनंद की भरपूरी आ जाए ईश्वर से के नाम में। तो ऐसा ही किया, धन्यवाद प्रार्थना सुना, धन्यवाद ईश्वर ना पिताजी, आशीष मांगते हैं, सुन दे आशीष ग्रहण कर, आमीन आमीन और आमीन, हालेलुया। मैं पियो हम प्रभु से प्रार्थना करने वाले हो जाएं, और जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में आशीष को भेजता है। जब प्रार्थना करेंगे तो प्रभु हमें हमारे जीवन में अद्भुत कार्य चमत्कार करेगा। बिना प्रार्थना हम प्रभु के करीब नहीं आ सकते हैं। प्रार्थना में वो सामर्थ है जो आपको प्रभु के उपस्थिति में महसूस कराती है, उससे आप बातचीत कर सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा हम प्रभु से बातचीत कर सकते हैं। हम पवित्र आत्मा का दान मांगे और बाइबल कहती है जो मांगोगे वो तुम पाओगे। जब बुरे होकर हम बच्चों को अच्छे अच्छे वस्तु देना चाहते हैं तो मांगने वालों को स्वर्ग पिता पवित्र आत्मा क्यों ना दे। हम प्रभु से मांगने वाले हो जाए, प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत कार्य चमत्कार करने वाला हो जाएगा। हालेलुया। वीडियो को लाइक कमेंट्स लिखे ताकि और भाई बहन लोग यीशु मसीह को जानकर अपने जीवन का उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करके अंत जीवन का सहभागी बन जाए। गॉड ब्लेस यू।